अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने हिंदू महाविद्यालय पर तालाबंदी कर कॉलेज को बंद कर दिया। छात्र मांग कर रहे थे कि जल्द ही छात्र संघ के चुनाव की तिथि घोषित की जाए ताकि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव होकर छात्र छात्राओं पर हो रहे उत्पीड़न को रोक सके। तीन दिन पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज प्रशासन को तिथि घोषित करने के लिए नोटिस दिया था। तीन दिन तक तिथि घोषित न करने पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र हिंदू कॉलेज का गेट बंद करके बैठे हैं। उनकी मांग है कि बड़े अधिकारी द्वारा उन्हें आश्वासन दिया जाए, तभी वे गेट खोलेंगे। गेट को बंद कर जी, आज हिंदू महाविद्यालय में जो पिछले लगभग 7 वर्षों से 2012-17 के बाद से छात्र संघ चुनाव हमारे महाविद्यालय ने नहीं संपन्न कराए। तीन दिन पूर्व हमने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया था और तीन दिन का अल्टीमेटम दिया था कि तीन दिन के अंदर अगर छात्र संघ की तिथि नहीं घोषित होती है तो हम कॉलेज बंद कराकर और धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। महाविद्यालय प्रशासन ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया, सिर्फ एक लेटर डीएम साहब के नाम जारी कर और अपना पल्ला झाड़ दिया। इसके विरोध में विद्यार्थी परिषद आज कॉलेज बंद कराकर बैठी है। क्या मांगे आप, क्या चाहते हैं? देखिए, छात्र संघ चुनाव की तिथि शीघ्र घोषित की जाए। छात्र संघ चुनाव जो छात्रों के सर्वांगीण विकास के हेतु होता है, जिसमें कॉलेज के शिक्षक छात्रों और छात्राओं का उत्पीड़न नहीं कर पाते, इसके लिए छात्र संघ चुनाव पूरे लिंग दो कमेटी की सिफारिश के अनुसार होता है। और हमारे महाविद्यालय ने शिक्षक चुनाव की अगर बात की जाए तो हर वर्ष शिक्षक आगे निकल कर आ जाते हैं कि शिक्षक चुनाव कराओ, शिक्षक चुनाव लगातार संपन्न होता है, लेकिन छात्रों के छात्र संघ चुनाव के लिए ये मौन बंद कर अपना मुंह और बैठ जाते हैं। आज विद्यार्थी परिषद तभी उठेगी जब हमको किसी डीएम साहब के तरफ से या एडीएम सिटी की तरफ से कुछ एक अच्छा निर्णय लिया जाएगा छात्र संघ चुनाव के बारे में।